तो एक दिन मैं अपने लैपटॉप पे गेम खेल रहा था और वो गेम इतना रियलिस्टिक था कि वो रियल वर्ल्ड और उस गेम में फर्क नहीं पता चल रहा था। और लाइक सोचो कि 2050 तक गेम कहां जा चुका होगा, हम क्लाउड गेमिंग भी कर रहे होंगे। पर आज मैंने सोचा कि क्या हुआ अगर हमको एक्सपीरियंस करें, हम पुराने समय में कैसे गेम्स खेलते थे, कौन से डिवाइस यूज होते थे, किस टाइप के गेम्स की क्वालिटी होती थी। फिर मैंने देखा कि इसके लिए मुझे एक ओल्ड टीवी की जरूरत होगी जो कि हमारे कबाड़ में पड़ा था और ये इतना हैवी था कि इसे उठाने में मेरा स्लिप डिस्क हो गया। फिर मैंने देखा कि ओके टीवी तो आ गया पर इस पर गेम कैसे खेले। फिर मुझे याद आया कि ओके इसके लिए मुझे कंसोल की जरूरत होगी, जिसे मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे मिल गया और इसमें मुझे एक कंसोल, दो कंट्रोलर और एक गन मिला जो कि हम बाहर से ही शूट कर सकते हैं। फिर मैंने इसे जब इंसर्ट किया तो मुझे कुछ डाउट हुआ कि ओके। फिर मुझे याद आया कि यस इसमें एक कैसेट आती है इस तरीके की और 7 करोड़ उन लोगों के लिए जिन्हें लगा कि ये रैम है। फिर मैंने इसे प्लग करके स्टार्ट किया तो आप इन गेम की क्वालिटी देख सकते हो जो कि इतना डिटेल्ड है जो कि हमारे 144p के बराबर भी नहीं है क्योंकि ये सारे 8-bit वाले गेम्स हैं। और फिर मैंने इसमें सुपर कंट्रा खेला और फिर मैंने स्टार्ट किया सुपर मारियो। आहा,